नमस्कार, INA न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। केवल मैनपुरी की ही जनता को नहीं, पूरे देश को इस बात की खुशी है कि माननीय नेताजी को विरासत को संभालने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट वहाँ पर लोकप्रिय समाजवादी कैंडिडेट्स श्रीमती डिंपल यादव को दिया और उनकी प्रत्याशी होने पर इतनी भारी भीड़ के साथ वहाँ की जनता ने वोट देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी योगी और मोदी के मंसूबे थे उस पर पानी फेर दिया समाजवादी कार्यकर्ताओं ने। कितने वोट से जीती है डिंपल यादव? डिंपल यादव लगभग 3 लाख वोटों से जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी का चकनाचूर कर दिया है। अच्छा, एक भोगांव विधानसभा आता है, वहाँ से जहाँ उम्मीद नहीं थी कि वोट मिलेगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैनपुरी की जनता ने तो इतनी जीत दिला दिया है कि भोगांव विधानसभा और मैनपुरी विधानसभा से माननीय नेताजी कभी जीत हासिल नहीं किए थे, लेकिन इस बार मैनपुरी की पांचों विधानसभाओं से, लोकसभा की पांचों विधानसभाओं से इतनी ज़बरदस्त लीड हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। कहीं ना कहीं चाचा का मिलना सफल रहा। माननीय शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता हैं और माननीय नेताजी के भाई हैं और उनका दिल और दिमाग समाजवादी पार्टी के साथ है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है और उन्होंने इतनी बड़ी ताकत लगा दिया कि शायद माननीय नेताजी के चुनाव में इतनी ताकत नहीं लगाए होंगे और उन्होंने अपनी विधानसभा जसवंत नगर जो पूरे देश में पहचानी जाती है वहाँ से 1,06,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, जो निश्चित रूप से एक दगाबाज प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का रहा, उसे हराने का काम किया है जसवंत नगर विधानसभा। क्या लगता है कि अगला 2024 का जो चुनाव होगा उसमें क्या, और उनकी जो प्रसपा पार्टी है ना समाजवादी पार्टी में, उन्होंने विलय कर दिया है। और जहाँ तक दलित वोटरों की बात है, वो बहुजन समाज पार्टी से नहीं, अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और डॉक्टर लोहिया की समाजवाद की विचारधारा को लेकर के इस देश में सभी पिछड़ों, दलितों, माइनॉरिटीज, सभी लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता के पीरियड में नौजवान बेरोजगार है जिसको रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है, इसलिए नौजवान हर जात मजहब का व्यक्ति सजग हो चुका है और समाजवादी पार्टी को मजबूती देने के लिए तैयार है। केशव प्रसाद मौर्य ने आज सुबह ट्वीट किया था भविष्य को लेकर, इस पे क्या कहना होगा आपका? केशव मौर्य अपनी विधानसभा केवल सिराथू देखें, सिराथू में हार गए हैं और उनका बूथ बूथ पर जो है निश्चित रूप से फिर अब केशव मौर्य विधानसभा में नहीं जा सकते हैं। रामपुर की सीट पे क्या कहना चाहेंगे आप? रामपुर की सीट पर ही नहीं, खतौली की सीट और मैनपुरी की लोकसभा सीट पर योगी सरकार ने इतनी ज़बरदस्ती की है कि हर जगह ज़बरदस्ती हराने का काम किया गया है, कहीं प्रधानों को, कहीं पर कोटेदारों को, कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। निश्चित रूप से रामपुर में जो उनका तांडव चला है वह कभी भी लोकतंत्र में नहीं हुआ है। ये लोकतंत्र के साथ योगी सरकार और मोदी सरकार खिलवाड़ करने जा रही है और भारतीय संविधान के साथ जो रिश्ता इस देश के लोगों का होना चाहिए उसको ख़त्म करके वो केवल मनुवाद के सिद्धांत के आधार पर योगी और मोदी देश को चलाना चाहते हैं। निकाय का चुनाव शुरू हो रहा है, क्या इस पे असर पड़ेगा इस चुनाव को लेकर? निकाय का चुनाव समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में जीतने जा रही है, जबरदस्त वोटों से जीतने जा रही है। डिंपल यादव लाखों वोटों से जीती है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं देश के और मैनपुरी के सभी नौजवानों को, वहाँ के मतदाताओं को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने नेताजी की श्रद्धांजलि अर्पित की है जो इतनी भारी मतों जिताए हैं। इसके लिए मैं उस क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई देता हूँ। 2024 के लिए क्या रणनीति है आप लोगों की? जो हमारे राष्ट्रीय रणनीति बनाएंगे उसी तरह हम लोग काम करेंगे। कैसा लग रहा है आज आपको? माननीय डिंपल यादव जी की जीतने के बाद पूरे देश और प्रदेश में खुशी की लहर है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी महान नेता हैं और मैनपुरी की जनता को मैं बधाई एवं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने महान नेता धरती पुत्र स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने का काम किया है।